मैंने उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में वादी किया है, जो दुनिया का बहुत बड़ा हुक्मरान था, जिसने पूरी दुनिया को दहशत में मुब्तला कर दिया था, इटली का डिक्टेटर था, उसका नाम था मुसोलिनी। उसने अकबाल से पूछा था कि तुम्हारे मजहब में या पैगंबर इस्लाम की तालीमात में क्या कहा गया है, जबकि शहर की आबादी या बस्ती की आबादी एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाए। तो आपने कहा कि भाई हुजूर की हदीस है कि जब कोई बस्ती या किसी शहर की आबादी एक हद से तजावज़ कर जाए तो नए शहर आबाद करो। उस्ताद शायर मुस्लिम अल हरीरी जो हैं बनारस के हैं, लेकिन उनके शागिर्द चूँकि यहाँ भी हैं, उन्होंने उस उस्ताद का हक अदा करते हुए जे अपनी सआदत समझकर उन्होंने उनकी किताब का दूसरा एडिशन शाया किया। लेकिन इस तरह के खिदमात जारी रहे, जैसे आज हमारे गुफरान अमजद साहब ने किताब के इजरा कर कर उस्तादुल असादिदा मुस्लिम हरीरी के किताब की जो इशात सानिया की है, और इतने उर्दू नवाज आदमी यहाँ तशरीफ़ लाए। जी आमिरी फंक्शन हॉल है, और इस हाल में अभी सब मिलकर बोले, तमाम तंजीमें, तमाम कमेटी वाले, जो उर्दू सोसाइटी है, बज़्म उर्दू है, ऐसे बहुत सारे तंजीमें कमेटियाँ मिलकर जो है इस्लाम नामा किताब का हिजरा है ये होने जा रहा है। मगर जो बोले ऐसा करेंगे सब मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह सबको इजाज़त दिया, सब मिलकर करेंगे करके आज उसका इजरा है। बेंगलुरु के गुड़धहल्ली में मौजूद सुन्नी चौक के आमिरी फंक्शन हॉल में मुनक़दा एक पुरवक़ार तकरीब में उस्ताद शोरा हज़रत मुस्लिम अल हरीरी की तारीख़ी किताब इस्लाम नामा का रस्म इजरा अमल में आया। मुंबई से आए मारूफ व मशहूर नक़ाद, मुहक्किक और शायर मोहतरम शमीम तारिक साहब के हाथों इस किताब की रस्म रोनुमाई अमल में आई। ये खास तकरीब बेंगलुरु के बुजुर्ग शायर और नक़ाद डॉक्टर राही फिदाई की सदारत में मुनक़द हुई। बज़्म उर्दू, उर्दू सोसाइटी, बज़्म सुखन, लिसानियात हिंद, गुलशन उर्दू, इन तंजीमों की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया। आमिरी फंक्शन हॉल के मालिक अल्लाह बख्श आमिरी ने इस तकरीब के लिए अपना हॉल मुफ्त फराहम किया। चलिए पेश है एक खास रिपोर्ट। We'll be right back.
और उस नए शहर की अमली ताबीर हम यहाँ देख रहे हैं। एक छोटा मोटा बनारस बन गया है, कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, अपनी वजाकत से, अपने चेहरे से, अपनी बातों से लग रहा है कि साहब एक खास जगह को कर रहे हैं। फिर मकामियत और गैर मकामियत की जो कशमकश आलमी सतह पर, कौमी सतह पर मुख्तलिफ रियासतों में जारी है, उसकी तरफ भी मैंने इशारा किया कि आपको इनको यकीन दिलाना है कि आप इनके लिए जहमत बनकर नहीं, रहमत बनकर आए हैं, ताकि ये कशमकश ख़त्म हो जाए। नहीं तो तारीख तो रह जाएगी, आसाम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, अब इसको समझेंगे, अपने अपने तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, अमल में ढालने की कोशिश करेंगे। अब तो ये उनके ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है, आज असाज़ा की कदर करना और उनके लिए कुछ कर दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मिटती जा रही है, उस्ताद शागिर्द का की रस्म जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हमको असर न उसको ज़िंदा करें तो बेहतर हो रहेगा। मशवरा करने के लिए शागिर्द गलतियों से बचा रहेगा उस वक्त जबकि उस्ताद की नज़र उस पर हो और उस्ताद की इस्लाह उसकी तख्लीहात पर हो। तो ये उन्होंने जो काम किया है बहुत ही अहम काम किया है, और इतना मजमा, इतना कसीर मजमा यहाँ इकट्ठा किया है, ये मामूली बात नहीं है। जो अहले ज़ौक अहले इल्म हज़रात यहाँ जमा हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने जितनी मेहनत की है वाकई वो काबिल दाद है, काबिल सताइश है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी को। असद से भी काफ़ी बड़े लोग उर्दूदा आए और असबाब सुखन ज़ौक आए, इस बात की ये अलामत है। और इन तमाम उर्दू नवाज की हाजिरी इस तरह जम गफिर हो जाना इस बात की दलील है। हुकूमत जिस रियात में जहाँ भी सौतेलापन तसुबात का रवैया करे उर्दू के साथ, लेकिन उर्दू वो ज़बान है कि बग़ैर किसी रुकावट और दीवार के आगे बढ़ती रहेगी, परवान चढ़ती रहेगी, और ये ज़ुबान साबित कर देगी कि ये हिंदुस्तान की मुमताज़ बावक़ार ज़ुबान है। और उर्दू वो ज़ुबान है कि एक तहजीब है, एक तमद्दुन है, जो हिंदुस्तान के अंदर बिला फ़र्क मज़ाहिब हर कोई इससे मोहब्बत रखते हैं, हर कोई इस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस उर्दू एकेडमी से जो भी कोई रवैया करे, लेकिन ये ज़ुबान की जो कदर अल्लाह ने ऊपर वाले ने बख्शी है, हमेशा बिल्कुल रवा दवा इसके तल्लुकात, इसके ज़ुबान के नशो एशात, तसनीफ़ व तालीम आगे बढ़ते ही रहेंगे। मुस्लिम हरीरी साहब बनारस के उस्ताद शायर में शुमार, जैसे कि आप देख रहे हैं, उनके वालिद मुंशी अब्दुल गनी साहब थे, तो उन्हीं के ये शागिर्द थे। और मुंशी अब्दुल गनी साहब फ़ायज़ बनारसी के शागिर्द थे, और फ़ायज़ बनारसी मुसफ़ी लखनवी के शागिर्द थे। तो ये सिलसिला चूँकि उनका मुसफ़ी लखनवी से मिलता है, और ये किताब इस्लामनामा आज से 57 साल पहले इसकी अशात हुई थी, पहला एडिशन इसका आया था, और हाथों हाथ बिक गया और कहीं भी अब दस्तयाब नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि ये किताब दोबारा इसकी अशात हो, तो कुछ अहले खैर हजरात ने मिल के इसकी दोबारा अशात की और ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी, तो मेरी ही निगरानी में ये किताब छपी है, जिसका आज इजरा मोहतरम शमीम तारिक साहब के हाथों होना है, जो मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें बहुत सारे हजरात जो है बॉम्बे से आए हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं। बनारस का तो गढ़ हो गया अभी है, यहाँ तो बनारस से बहुत सारे लोग आए हैं। माशाल्लाह आप देखिए हाल में खचाखच हाल भर रहा है, भरा हुआ है। साहब अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें और ऐसे खुशी के प्रोग्राम हो, उर्दू का गाउन हो, और जो है बहुत दो साल से करीब करीब जो है जब से ये कोरोना आया ये सब वबा आई तब से तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं। बहुत दिनों बाद आज एक छोटा सा प्रोग्राम जो है इस्लामिक किताब जो शाया हो रही है इसका जो है इजरा हो रहा है। मुसलमान है तो उर्दू हो का भी होना ज़रूरी है। अब तो बहुत सारे जगह पर उर्दू छपा दिया जा रहा है, इसलिए जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू को भी आम करें। कोई कोई एक नाम देके टारगेट करके जो है खाली मुसलमानों के काम रुक रहे हैं, इसीलिए तो हम मुसलमान बीजेपी को इनकार कर रहे हैं ना। वो बराबर उर्दू के ताल्लुक से काम करें, उर्दू को साथ दें, मुसलमानों को साथ दें, भरपूर करेंगे। हम हर पार्टी को साथ देते हैं, इनको भी साथ देते हैं। ये लोग मुसलमानों के हर काम को रोक रहे हैं, उर्दू के काम को रोक रहे हैं, तभी तो इसलिए हम लोग खुला ऐलान करते हैं। बीजेपी को इसीलिए तो हम इनकार करते हैं।
अब ये लोग भी बराबर आके सीना बाई सीना लगा के मुसलमानों को साथ दे, उर्दू के काम में साथ बटाए, हाथ बटाएं, हम ज़रूर इनका भी साथ देंगे। अभी जब से ये पार्टी आई, बीजेपी पार्टी है, आज तक जो है उर्दू हाल बेकार पड़ा है, उर्दू का कुछ इसके ताल्लुक से किसका उर्दू अकादमी नहीं बनी है। मक्कल हायर एजुकेशन मगल मदुवे ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.